तो गाइज, तो फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है और गाइज आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर सैमी जेन सेट रॉलिंस वर्सेस जजमेंट डे के मैच के एंडिंग पर डिस्क्वालिफिकेशन के वजह से WWE के मैनेजर एडम पीरस काफी ज्यादा एंग्री होते गए। जहां पर ये कहते गए कि रॉ के ओपनिंग पर ही मैच के डिस्क्वालिफाई होने के बाद जजमेंट डे यहां पर पूरे शो को खराब कर रही गए, जिसके जवाब में यहां पर रिया रिप्ली एडम पीरस से आर्गुमेंट करने लगते गए। और गाइज रिया रिप्ली और एडम पीरस का सेगमेंट चल ही रहा होता है तभी यहां पर सडनली अरीना के अंदर हमें यहाँ पर जोई स्टार्क अराइव होते हुए दिखाई देती गए। जहाँ पर जोई स्टार्क ये कहती गए कि रिया रिप्ली यहाँ पर WWE के अंदर ज्यादा दिन ये सभी चीजें नहीं कर पाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट WWE के सवावे सीरीज के ऊपर रिया रिप्ली का WWE में चैप्टर ओवर होने वाला है। और एक बार जब सवावे सीरीज के ऊपर जोई स्टार्क रिया रिप्ली को हरा के WWE के ब्रांड न्यू वुमन चैंपियन बनेंगी, तो उसके बाद रिया रिप्ली के साथ साथ जजमेंट डे का भी डोमिनेशन ओवर होने वाला है। वाला आज मंडे नाइट रॉ पर जोई स्टार्क और रिया रिप्ली के हीट सेगमेंट के बाद इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर रिया रिप्ली जोई स्टार्क पर अटैक करने की कोशिश करती गए, बट गाइस जोई स्टार्क डंप करते हुए रिया रिप्ली के ऊपर डाइव लगा देती गए, जिसके बाद रिया रिप्ली रिंग को छोड़कर भाग जाती गए।